अखबार की खबरें लगातार देखने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को दबाएं। इस खबर के प्रायोजक है जैना ज्वेलर्स आबुलेन मेरठ। शोभित यूनिवर्सिटी के लिए आज का दिन विशेष था। विशेष इसलिए कि आज यूनिवर्सिटी ने अपना 11वां दीक्षांत समारोह मनाया। जिन छात्र छात्राओं ने अपने क्षेत्र में उत्कृष्ट प्रदर्शन किया उन्हें उसके लिए नवाजा गया। सर्टिफिकेट के साथ ही मेडल भी दिए गए। मेधावी छात्र छात्राओं को यह सम्मान भी स्वयं गोवा के राज्यपाल सत्यपाल मलिक ने दिया। ये सम्मान पाकर छात्र छात्राएं अभिभूत थे। इस मौके पर राज्यपाल सत्यपाल मलिक ने शिक्षा के महत्व पर खासा जोर दिया। उन्होंने तंज भी किया कि अब तो हर क्षेत्र में युवतियां बाजी मार रही हैं, चाहे वो खेल हो, पढ़ाई हो या फिर अन्य कोई क्षेत्र। लिहाजा युवाओं अब समझ लो कहाँ जाना है, तुम्हें तो खाना बनाना भी नहीं आता होगा। लड़कों से मैं जरूर कहना चाहता हूँ कि भाई साहब थोड़ा सोच लो। राज्यपाल मलिक ने कहा कि जम्मू कश्मीर से धारा 370 सिर्फ देश के प्रधानमंत्री मोदी व गृह मंत्री अमित शाह ही हटा सकते थे, अन्य कोई नहीं। इससे पहले यूनिवर्सिटी पहुंचने पर पाए सम्मान को पाकर स्वयं गोवा के राज्यपाल सत्यपाल मलिक अपने जज्बात रोक नहीं पाए। उन्होंने कहा कि बाहर जाकर कोई भी कुछ भी हो जाए, लेकिन यदि घर में उसे सम्मान मिल जाए तो समझो सब कुछ पा लिया। किसी भी यूनिवर्सिटी या कॉलेज में जब बुलाया जाता है तो मैं उसमें बिल्कुल दाएं बाएं नहीं करता, फौरन हाँ कर देता हूँ। चूंकि यूनिवर्सिटी में आना अपनी माँ की गोद में वापसी जैसा है। आज मेरठ और शोभित यूनिवर्सिटी में यह सम्मान पाकर उन्हें बेहद अपनापन व खुशी हो रही है। उन्होंने छात्र छात्राओं से कहा कि अब उन्हें देश के लिए कुछ करना है, एक अच्छा इंसान बनना है। हमारे क्षेत्र में लड़कियों को पैदा ही नहीं होने दिया जाता था और आज जब लड़कियां हर क्षेत्र में आगे हैं तो गर्व होता है अपने क्षेत्र में शिक्षा के ऐसे मंदिरों पर जो लड़कियों को आगे बढ़ने के लिए प्रोत्साहित करते हैं। मैं लड़कियों को तो बधाई भी देता हूं, ये कहना चाहता हूं कि और आगे बढ़ो। हम तो आपको पैदा भी नहीं होने देना चाहते थे। उत्तर भारत के लोग तो कोशिश करते हैं कि आप पैदा ही ना हो, लेकिन जब पैदा हो के आप आ जाती हैं मैदान में तो आप फर्राटे से आगे निकलती हैं। इस मौके पर शोभित यूनिवर्सिटी के चांसलर कुंवर शेखर विजेंदर, चेयरमैन डॉक्टर शोभित कुमार, वाइस चांसलर अमर कुमार गर्ग, मेरठ से सांसद राजेंद्र अग्रवाल आदि मौजूद रहे। आइए सुनते हैं क्या कह रहे हैं गोवा के राज्यपाल सत्यपाल मलिक। शोभित जी, मैं आपका, आपके भाई साहब का इसलिए भी आभारी हूँ कि जहाँ आपने इंस्टीट्यूट खोला है, जिस जिस तरह के सब्जेक्ट्स आप पढ़ा रहे हैं, इन सब्जेक्ट्स में डिग्री पाने के लिए हमारे इलाके के लोग अपने बच्चे को भेजने के लिए जमीनें बेच देते थे, आसानी से वो पढ़ाई मिलती नहीं थी। आपने देहात के डोर स्टेप पे वो सारी पढ़ाई लोगों को उपलब्ध कराई है, इसका मैं आपका बहुत बहुत आभारी हूँ और आपने ये बड़ा उपकार किया हमारे समाज को। एक और चीज है जो मैं कहता नहीं, चूंकि एमपी साहब ने उसका जिक्र कर दिया, धारा 370 का हालत के मुझे अभी भी, जैसे शराबी को रात का जो खुमार है वो 10 बजे अगले दिन तक रहता है, तो कश्मीर से आ जरूर गया हूँ लेकिन मुझे कश्मीर का भी खुमार रहता है और किसी ना किसी दिन कोई गलती हो जाती है। राजेंद्र जी ने बिल्कुल सही कहा, अगर नरेंद्र मोदी और अमित शाह ना हो तो इस देश से 370 कभी भी नहीं हट सकती। बाद में पत्रकारों से वार्ता करते हुए राज्यपाल ने क्या कहा, आइए जानते हैं। ये तो सरकारी मामला है, इसमें मेरा, लेकिन ये इसमें एक एटीट्यूड, एक जो होम मिनिस्टर का कहना है वो कतई सही है, वो किसी की नागरिकता नहीं छीनता। इस देश में बहुत सारी चीज़ें अफवाहों से हो जाती हैं, इसमें बिल्कुल दुष्प्रचार किया गया और डेलिबरेटली किया गया। सर, उसी का परिणाम है जो जगह जगह हिंसा हो रही है सब, ये मैं आपको बता रहा हूँ। ये तो रुक गया, ये बहुत बड़ा डिज़ाइन था पाकिस्तान का, बहुत बड़े पैमाने पर वायलेंस कराने का। मैं इन सब लोगों को जानता हूँ, ये जो PFI वगैरह वाले हैं, इनको सख्ती के साथ इनसे निपटना चाहिए। पाकिस्तान से आपके यहाँ गड़बड़ कराने के लिए कश्मीर समेत लगातार फंडिंग होती है। कश्मीर में एक संस्था है जमात, उसके 20% रुकन बोलते हैं उनको, जो एजेंट हैं वो तो हैं सेक्रेटेरिएट में, 30% हैं टीचर्स जिनको अहले वो क्या करके तालीम करके और महबूबा ने भर्ती किया था,
मैंने प्रधानमंत्री गृहमंत्री दोनों को 20 पेज का एक नोट दिया है कि जब तक इन पे हम नहीं क्रैक डाउन करेंगे, जमात को ठीक नहीं करेंगे, कश्मीर में आतंकवाद कम नहीं होगा। बांग्लादेश ने सारे जमात के लीडरों को फांसी दे दी, मिस्र ने सारे जमात के, वो भी तो मुस्लिम मुल्क हैं, उनको फांसी दे दी, सारे मदरसे इनके पास हैं, सारी मस्जिदें इनके पास हैं, और इनके पास अनाप शनाप रुपया है और लड़कों को ख़राब करते हैं। ये उनको सिखाते हैं कि मरोगे तो जन्नत मिलेगी। जी क्या आप वहाँ जो धरने पर बैठे हुए हैं, तो महीने बीतने वाले हैं, देखिए वो पॉलिटिकल मामला, उस पर मेरा बोलना सर, ये एक जो संवैधानिक संकट अभी अचानक खड़ा हो गया दो तीन दिन से, कि जो लोग प्रदेश के मुख्यमंत्री ने कहा कि जो लोगों ने बलवाई ने तोड़फोड़ की, वो भी उस पर मैं नहीं, उसकी बात नहीं, वो नहीं पूछा, अच्छा बुरा नहीं पूछा, मैं पूछा कि क्या इस तरह की बातें जो कोर्ट ने कहा कि नहीं हटाइए उन्हें, मुझे माफ करें, मेरा कोई लेना देना नहीं। जी 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 वो प्रधानमंत्री जी का सही फैसला है, फारूक अब्दुल्ला की थोड़ा तबीयत खराब थी, लेकिन ये सही बात है, फारूक अब्दुल्ला ने 370 हटने के दो दिन पहले ये कहा था कि प्रधानमंत्री 100 जन्म ले लें 370 नहीं हटेगी, और महबूबा ने कहा था 370 को जो छेड़ेगा वो हाथ जल जाएगा। इन लोगों ने बहुत भड़काने की कोशिश की, कोई इनके भड़कावे में आया नहीं और आगे भी नहीं आएगा। कश्मीर का खुमार है सर, नहीं याद रहती हैं चीजें, किसी स्ट्रगल में से आप निकलो तो फिर बहुत चीजें याद रहती हैं। एक बात बार बार उठ रही है कि जो शिक्षा दी जा रही थी हम लोगों को एनसीईआरटी के माध्यम से, जो लेफ्टिस्ट माइंडेड लोग ज्यादा थे जिन्होंने भारतीय संस्कृति को, जिन पर आरोप है कि भारतीय संस्कृति को तबाह करने का आरोप है एनसीईआरटी बुक्स वगैरह के लिए, तो आपको लगता है कि शिक्षा में सुधार होना चाहिए, शिक्षा में लोगों को पता चलना चाहिए कि ओरिजिनल इंडिया क्या है? बिल्कुल होना चाहिए, क्या इसलिए आपकी क्या है? दुनिया के सारे मुल्क अपने अतीत की तरफ देख रहे हैं, हमको भी देखना चाहिए, हमारे यहाँ बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें और बहुत अच्छी अच्छी बातें थी, हमारे बच्चों को पता भी नहीं है। अभी एक अफ्रीका के राइटर ने कहा है अपने देश के नौजवानों को कि कोई अंग्रेज़ी में लेख मत लिखो, और उसने कहा कि मैं जब छोटा था, मेरा बाप अफसर हो गया तो मुझे अंग्रेज़ी स्कूल में डाल दिया, उसमें मेरा ये नुकसान हुआ कि मैं जो नानी की कहानियाँ थी जिसमें चांद और कपास काटती हुई औरत और खरगोश ये था, उसको छोड़ के ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार हो गया, मैं अपनी कहानियों से अलग हो गया, अपने अपने समाज से अलग हो गया। तो इसी तरह से हमारे यहाँ भी हमें अपने बच्चों को और बाद में शिक्षा में भी हमें जो हमारी अच्छी चीज़ें हैं, शानदार चीज़ें हैं, उनको वापस लाना। सर आप बहुत मजबूत छात्र तभी रहे हैं और आपने, लेकिन अब यूनिवर्सिटियों में छात्र संघ की राजनीति एकदम चौपट हो गई है, कॉलेजों में अब सरकारें करा रही हैं, चुनाव नहीं करा रही हैं यूपी के विश्वविद्यालयों में, आपको क्या लगता है छात्र राजनीति के नुकसानदेह है क्या जो सरकार उससे परहेज कर रही है? देखो छात्र राजनीति ने कभी नुकसान नहीं किया, समाज का फायदा किया, लेकिन ये छात्रों के अपने दम पे निर्भर करता है कि वो चुनाव करा लें कि ना करा लें। कश्मीर है जो बचावा कश्मीर है, भारत में कम मिला है, क्या देखते हैं कितनी दिन दूर है? देखिए पीओके के बारे में कई मंत्री बोलते हैं कि हम हमला कर देंगे, ले लेंगे, वो थोड़ा ट्रिकी काम है थोड़ा सा, क्योंकि उसमें चाइना का भी इन्वॉल्वमेंट है और वॉर तो वॉर ही होता है, तो वो रास्ता सही नहीं है। सही रास्ता है जो बहुत जल्दी मिल जाएगा, अगर आप जम्मू कश्मीर की बड़ी तरक्की कर दें और चमका दें तो वो रिवोल्ट कर जाएंगे आपके पक्ष में, और वो दिन होगा जब आपको इंटरवीन करना चाहिए।